सत श्री अकाल दर्शकों, पंजाबी बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं तुहाडा मेजबान हरसिमरन सिंह ते रुख करदे आं अज दीआं खबरां वल। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने अतवादी की एक होर साजिश उत्ते पानी फेर दिता है। सुरक्षा बलों ने जिले के हफीजाबाद के चतलूरा इलाके विच एक आईडी बरामद कर उन्हें डिफ्यूज कर दिता। दरअसल सेना की 32 राष्ट्रीय राइफल अते पुलिस की रोड ओपनिंग पार्टी ने इस आईडी नूं लभिया, जिसके बाद मौके उत्ते ही बंब निरोधक दस्ते नूं सद के इनू डिफ्यूज कर दिता गया। दसिया जा रहा है कि अतवादियों ने यह आईडी सुरक्षा बलों नूं निशाना बनाने लई फिट किया सी। प्रदेश विश्वकर्मा सभा वालों वी लव्ड ऑर्गेनाइजेशन अते आल जे एंड के डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग नाल पिंड हक्कल विच विकलांगा नूं व्हीलचेयर प्रदान कीते गईयां। सभा दे प्रधान शशि वर्मा सहित होर लोग भी इस मौके मौजूद सन। शशि वर्मा ने विकलांगा नूं व्हीलचेयर देने लई संस्था नूं दा धन्नवाद भी किया है। जो डिसेबल बच्चे थे, एक आदमी था, एक बच्चा था, उसको हमने ट्राइसाइकिल और व्हील साइकिल दी है। एक आर जे के जे एंड के डिसेबल एसोसिएशन है, उनकी मदद से हमने ये आज ट्राइसाइकिल और व्हील चेयर बच्चों को उनको दी है। तो ये मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ये दो चीज़ें प्रोवाइड की। पंजाबी नूं अधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग हुण जोर फड़दी जा रही है। इस मांग नूं लैके हुण पंचायती पद्धर उत्ते भी प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस कड़ी विच जम्मू की दड़ा पंचायत के लोगों ने इस मांग के समर्थन विच प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगवाई कर रहे नायब सरपंच प्रवीण कुमार ने कहा कि पंजाबी नूं अधिकारिक भाषा का दर्जा ना देने का सरकार का फैसला उन्हां नूं स्वीकार नहीं है। इस करके इस फैसले उत्ते मुड़ विचार कर पंजाबी नूं अधिकारिक भाषा का दर्जा देने की गल की है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हाल ही में कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया कि अब जम्मू एंड कश्मीर लैंग्वेज बिल 2020 जो कि जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, मैं भी सहमत नहीं हूँ और मेरी पंचायत पूरी सहमत नहीं है। कारण इसके बहुत सारे कारण है। जब देश को आजादी मिली थी तो उस समय एक रुपए की कीमत $1 के बराबर थी। धीरे धीरे हम लोग धर्म जात पात ऊंच नीच के झगड़ों में पड़कर हम लोग देश को पीछे ले गए और आज यही सियासी खेल आज फिर से एक बार शासन ने खेला है, जो कि धर्मों को भाषा के आधार पर बांट दिया गया है, जो कि मुझे स्वीकार्य नहीं है और न ही मेरे लोगों को स्वीकार्य है। अतः ध्यान को इस बिल में संशोधन करना चाहिए और पंजाबी भाषा को भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए।
जिला पुंछ दे लोकां ने सरकार दे ग्रामीण खेतरां दे विकास दावियां नूं खोखला करार दिता है। इन्हां लोकां दा आरोप है कि सरकार दे इन्हां दावियां विच बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। इन्हां दे अनुसार फागला तो बफियाल तक जाण वाली सड़क दा निर्माण कार्य 1970 विच होया सी, पर अजे भी इस दी हालत विच कोई सुधार नहीं होया। वह कई बार इस सड़क की मरम्मत नूं लैके सरकार अते प्रशासन नूं गुहार भी लगा चुके हन, पर अजे तक किसी ने सड़क की मरम्मत लई कोई भी कदम नहीं चुकिया। कई हजार बार हम लोगों ने एहतियात भी कर चुके हैं, लेकिन किसी के कान में जूं भी रूंगती नहीं है। आज दिन तक हमने कई डेपुटेशन जनाब मोहतरम डीसी साहब को भी दिए, उसके पहले जितने भी डीसी साहिबान थे उनको भी कहा, एई साहब को कहा, डी साहब को, चीफ इंजीनियर तक हमने अप्रोच लड़ाई, लेकिन इस रोड का कोई हाल ना निकल सका। हमें बड़ी खुशी हुई थी कि जैसा गवर्नर साहब आए तो हमारे इस रोडों के मामले में कुछ ना कुछ चेंजिंग लाएंगे, बजाय उसके जनावला उसकी हालत जो है ये ज़्यादा अबतर हो चुकी है। मैं इस वक्त आपकी वसादत से ये बात गवर्नर साहब तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जितना भी किसी ढंग से भी जल्दी हो सके तो हमारी इस रोड को जल्दी मुकम्मल करने की कोशिश करें। वार्ड चौंठ विच डीप ड्रेन बनाई जा रही है, जिसका काम जम्मू के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने शुरू करवाया। इस काम उत्ते 25 लाख रुपए की लागत आवेगी। इस मौके उत्ते वार्ड के पार्षद सहित होर लोग भी मौजूद सन। मेयर ने वार्ड के पार्षद अते दुकानदारा नूं अपनी देखरेख हेठ यह काम सुचजे ढंग नाल करवाउण की सलाह भी दी। ये जो हर वार्ड के लिए 25-25 लाख रुपया का काम 75 के 75 वार्डों में रखा गया था ड्रेनेज सिस्टम के लिए, ताकि जो पानी है नालों का पानी जो मेन रोड में जो वो पानी ठीक ढंग से निकले, हमारे घरों में हमारी दुकानों में ना जाए। ये बाजार का काम था। हमारे ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनोज जी और उनके साथी सारे बार बार यही बात कहते थे। ऑनरेबल कॉर्पोरेटर जो हमारे इस बार के हैं, हमारे कपिल सिंह चिब जी जो हमारे महामंत्री भी हैं युवा मोर्चा के स्टेट के, उन्होंने इस काम के ऊपर फोकस किया हुआ था। तो ये 25 लाख का काम आज हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, ताकि दो पोर्शन में ये डीप ड्रेन बनेगी, 2x2x2 की ऊपर कवर्ड होगी, जंगले लगेंगे फर्स्ट क्लास, आधा पानी इस तरफ जाएगा इस तरफ। मेरी प्रार्थना है दुकानदार भाइयों से, विशेषकर जो अध्यक्ष हैं हमारे इस बाजार के मनोहर जी और इनके महामंत्री, इनकी टीम, काम को अच्छा करवाएं। यहाँ कोई आप समझे काम में कोताही है, उसी वक्त काम को बंद करिए। परेड तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन रूट उत्ते चलने वाली मिनी बसां दे मालकां ने जिथे पहला कोरोना की मार झलनी पई, हुण रहिंदी सहिंदी कसर SRTC दीआं बसां पूरीआं कर रहीआं हन। आर्थिक मंदी तो लंघ रहे इन्हां मिनी बस चालकां ने प्रशासन नूं मदद की गुहार लगाई है। इन्हां लोकां दे अनुसार उन्हां नूं इस समुचे दौर विच परेशानियां दा सामना करना पै रहा है। मिनी बसों की ये हालत है कि इस टाइम जो मिनी बसें हैं, हम तो चलो गवर्नमेंट के आदेश के मुताबिक गाड़ी चला रहे हैं, जैसे डिप्टी मजिस्ट्रेट ने आर्डर किया था कि आप गाड़ी चलाइए, थोड़ी थोड़ी गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है ड्राइवर कंडक्टर का खर्चा भी नहीं निकल रहा है, तेल को बड़ी दूर की बात है, काम नहीं है। दूसरी बात तो ये है कि जब सुबह गाड़ियाँ निकलती हैं तो SRTC चारों तरफ घिरी होती है गाड़ियाँ हमारी दिखती नहीं है बीच में। तो गवर्नमेंट से हमें अपील करेंगे, अगर आपने हमें गाड़ी चलाने के लिए कहा है तो कम से कम SRTC को वहाँ लगाइए जहाँ पर आपको ज़रूरत है, जहाँ उसने जाना है तो यहाँ से खाली जाए, जिस रूट पे जाना वहाँ से जाके भरे वो करे। तो जो भी जिसने RS4 जाना वो भी यहाँ से भर के जा रहा है, जिसने अखनूर जाना वो भी भर के जा रहा है, जिसने बाईपास जाना वो भी भर के जा रहा है। तो फिर रूट तो इन्हीं का हो गया ना, जब आएंगे तभी भर के आएंगे। ये सिस्टम हमने पहले भी दिया था और ये हमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को लिखित रूप में भी दिया था, लेकिन किसी ने कोई सुनाई नहीं की। ਉਹ ਕਾਂਗਾ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਉਹ SRTC
सारी साझा भी सांबा इतना कठुआ पारसपुरा अजोरी पुंछ संतरमणि सारे मैं गड्डी पर गड्डी अं कुछ सच होनी है चाहते ही चाहते कोई मसा मसला हल किया जा मसला हल हो सा करना मन मर्जी करे करते हैं हम पुलिस वाले पुलिस वाले गड्डिया साढ़े गड्डिया कढ़ा उठते हैं एस आर सी कोई कढ़ाता नहीं है। सरकार द्वारा हर घर विच पीण दा पानी पहुंचाण दे दावे कीते जांदे हन पर जमीनी पद्धर उत्ते सरकार दे इन्ने दावयां विच किन्नी कु सच्चाई हुंदी है ये पोल खोल रहे जम्मू दे राजपुरा कैंप दे लोक। इन्हां लोकां दे अनुसार तीन साल पहला सरकार ने साफ जल उपलब्ध कराउण दे लई वाटर स्कीम शुरू कीती सी जिस दे अधीन ट्यूबवैल का भी निर्माण किया गया सी। खुदाई का काम शुरू होने के बाद भी जन शक्ति विभाग द्वारा हुण तक उन्हां दी इस ट्यूबवैल उत्ते पानी नहीं उपलब्ध कराया गया जिस दे चलते सारा खेतर हैंडपंप उत्ते ही निर्भर करता है। मतलब तो रिकॉर्डिंग करनी है कि हमें मतलब कुछ जो रही है हिदायत नहीं मिली है। आज तक तकरीबन दो साल हो गए इस ट्यूबवेल की बोरिंग किए हुए लेकिन आज तक ये वहाँ का वहाँ ही है। रायपुरा बिच रौहने ट्यूबवेल बने ना दो साल का कुछ ने पैपा पूपा कोई पानी नहीं आया है साढ़े बाथरूम च भी पानी चाहिए कपड़े माल डंगर रखे दे कोई ओदा नहीं है पानी पलैने कोई सूत नहीं नलका ते इत्थे पानी की बड़ी दिक्कत है असें गी पानी जिन्या भी मतलब इस्तेमाल करना ना सारा गेड़ी गेड़ी है हैडपंप उपर करना पौंदा है। हले तक सानू ना पीएचई का कोई नलका नहीं मिलिया पूरे ग्रां च कोई 100-300 घर होना है ते कुसे भी घर च साडा पीएचई का नलका नहीं लग्या है। ट्यूबवैल जिहड़ा इस साढ़े ग्रां दे खल्ले इत्थे मतलब करिए दे नौ तैयार सिर्फ ट्यूबवैल बनाइए पाइपां देनियां ना 2-3 साल होइए नइयां दा पेदा है हले तक पाइपां बछाइए उन्हें साढ़े घरें तक नलके नहीं पहुँचाए हैं ते अस ये चाहते हैं कि साढ़े घर घर नलके लगने चाहिए सानू भी पीएचई का पानी मिलना चाहिए असें भी पता चले कि जिहड़ी गौरमेंट असें बनाई दी सानू केह देआ दी है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहिंदी असें पानी की ते कोई भी रिश्तेदार आई जान ते असें पानी की प्रॉब्लम बनी जांदी ते कि जो भी रिश्तेदार होंदे अस उन्हें पहले नंबर आखने जाओ पानी लियाओ असें कि'यां पूरा करना जाओ ते फिर लोकें दे घर दिक्खना पौंदा भाई लोग कोई मनदा कोई नहीं मनदा आपू घर भी दिक्खना होंदा बाहर भी दिक्खना होंदा भाई कि'यां असें पूरा करना पानी कि'यां नहीं बहुत प्रॉब्लम बनदी असें ब्याहें भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम कोई भी काम करगे ते असें पानी दी बड़ी गै जरूरत है। इ'यां ते इद्धर आ दे बड़ा सिटी है रायपुरा लेकिन सिटी दे कंडियें कोला ही उप्पर है क्योंकि असें पानी गेरी 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 नलके नूं बाहां भी थक्की जांदियां। लगभग 2 साल हो गए हैं इसको मतलब बोरिंग करके इन्होंने ऊपर से ढक्कन लगा के बंद कर दिया है उसके बाद में इसका कोई भी मतलब आगे से कोई भी जो इसका शुरू करना है आगे का कार्य वो नहीं किया जा रहा। हमें बहुत ही परेशानी आती है पानी की लगभग जो हमारे गांव हैं वो कोई 3-4 हैंडपंप मतलब लगे हुए हैं वहां पे और उसी के सारे मतलब सारे गाँववासी जो हैं उसी के सहारे हैं। पेंडू अते शहरी खेतरां दे विकास दे उद्देश नाल सरकार ने पंचायत अते मुंसिपल चोणां करवाईयां सन। सरकार अपने इस उद्देश विच किन्नी सफल होई है इस दी कहानी वखाण कर रहे हन। बड़ी ब्राह्मणा दे वार्ड 7 बस्सी कलां दे लोक वार्ड दे विकास नूं लैके इन्हां लोकां दा की कहना है पेश है एक रिपोर्ट। ए तस्वीरां हन बड़ी ब्राह्मणा दे वार्ड नंबर 7 बस्सी कलां दीआं। पानी दी निकासी ना होण दे कारण ए वार्ड इन बिन तलाअ दा रूप लै चुका है। प्राइमरी स्कूल दा तां पता ही नहीं चलदा वी स्कूल आके तला पिछले कई वरियां तो स्कूल दी एही हालत है जिस दे चलदे इस स्कूल ने हुण रब दा आसरा ही लै लिया। स्कूल गवर्नमेंट दा स्कूल है सरकारी स्कूल है उहदे बच्चे हुण मंदरां दे विच पढ़ा दे
ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਮੰਦਰ ਬੱਤੀ ਖਵਾਲੀ ਔਰ ਕਿ ਮੰਦਰ ਥੋੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਲਾ ਝੀਲ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਲਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਣਾ ਗਿਆ ਮਾਰਾ ਤਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਆ ਆਖਣੇ ਜੀ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮਾਰਾ ਤਲਾ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਕਾਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚਲਾ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਅੱਗੂ ਲੋਕ ਰੋਕੀ ਹੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਿਕਾਸ ਜਿਆ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਆ ਹੁਆ ਕਿ ਜਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੇਂ ਡੂਬ ਗਿਆ ਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੇ ਨਿਕਾਸੀ ਜੋ ਹਮਨੇ ਰੱਖੀ ਥੀ ਉਸਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਥਾ ਲੋਕੋ ਨੇ ਤੋ ਫਿਰ ਹਮ ਜਹਾਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨਕੇ ਘਰੋਂ ਮੇਂ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਥਾ ਸਭ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪਾਸ ਗਏ ਬੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਔਰ ਵੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕੋ ਤੋਰ ਨਿਕਲਵਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸਕਾ ਜੋ ਨਿਕਾਸ ਥਾ ਵੋ ਕਾਮੂ ਹੁਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਕਾ ਲੈਵਲ ਜੋ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾਲਾ ਥਾ ਜੋ ਵੋ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਤੇ ਖਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਗਾਉਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਜਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਹਾਂ ਪਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆਤੇ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਥੇ ਸ਼ੀਤਲ ਨੰਦਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੋ ਸਭ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈਂ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਬਾ ਸੇ ਕਿ ਜਹਾਂ ਗੌਰ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਜਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਅਫਸਰ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏ ਔਰ ਹਮ ਗਾਉਂ ਵਾਲੇ ਤੀਨ ਵਾਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਮੇਂ ਗਏ ਜਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਤੀਨ ਵਾਰ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ 11 ਵਜੇ ਆਏਗੇ ਜੇਸੀ ਵੀ ਆਏਗੀ 12 ਵਜੇ ਜੇਸੀ ਵੀ ਆਏ ਲੇਕਿਨ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਬੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਨਈਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੰਦੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਗੋਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ FCRA ਐਕਟ 2010 ਤਹਿਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਭੇਜ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ FCRA ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਭੇਜਣ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਇਹ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
जिला फाजिलका दे पिंड कुंडल तो वायरल हुई वीडियो विच किसानां ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस प्रधान सुनील कुमार जाखड़ उन्हां नूं बिना मिले ही चले गए। किसानां ने आख्या कि सुनील कुमार जाखड़ ने उन्हां कोल रुकना भी जरूरी नहीं समझा, इस कारण किसानां विच भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस सरकार नूं ही वोटां पाईआं सन, पर जो हरकत अज सरकार दे नुमाइंदगियां ने कीती है उस नाल उन्हां नूं बहुत धक्का लग्गिया है। सरकार आउंदियां लारे ला के तुर जांदियां, अज तां हद ही हो गई, इत्थे 700-800 बंदा असीं खड़े सी डीक रहे सी वी जाखड़ साहब आउणगे भाग खुल्लणगे साडे। जाखड़ साहब ने गड्डियां तेज करके साडे कोल दी ऐ पजाईआं वी कुसा इहनां दे गल ना सुणनी पै जाए। बड़े मन नूं दुख होया, बड़े चावां नाल असीं कांग्रेस सरकार बनाई सी वी पंजाब दा पिंडां दा सुधार होऊगा, पर अज जाखड़ साहब ने एक सबूत देता वी असीं सुधार करन वाले नहीं, असीं तां नारे लाउण वाले हैं। जमा सानू इन्ना बशर्मी लोगों तो आई साढ़े पिंड वालों तो, जिहड़े नूं कह कह वोटां पाईआं सी उहनां दे आ थोड़ा जाखड़ खड़ा नहीं, शर्म नाल सिर नीवा हो गया, असीं मरे पए आ। जमा साढ़े 500-600 एकड़ चो पानी निकलन कोई साथ नहीं, प्रशासन साडी कोई गल नहीं सुन रहा। सुखबीर बादल जी का धन्नवाद करते हैं, जिहड़े परसों भी आए सी अज भी साडे कोले खड़ के गए है, 15 मिनट गल सुन के गए, साडा सोल्यूशन करके गए, उहनां दे थोनू सारा कुछ प्रोवाइड कराउणे आ सी महकमे नूं कह के। प्रोवाइड ना होवे साडे सानू हौसला तां दे के गए ना, जो साडे मौजूदा लीडर मौजूदा मंत्री साहब साढ़े कोल दी टप के साडे कोले खड़ना तां की है। सानू जिहड़े आंढ गुआंढ साडे लोक खड़े सी 200-250 पिंड दा मेरे दा बंदा खड़ा सी, असीं दरियां विछाईआं, हुण साडे छत्तर मारदे आ, होर कोई कसर नहीं। ਵਿਆਹ ਜਾਖੜਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਛੱਕ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਪਸ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਕਮ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਉਹਨੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5-2 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਐਜ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਲਈ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਲੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 7 ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਫਿਰ ਨੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਚਾਰ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
असी अज संगरूर दी सड़कां ते संगरूर दी सड़कां ते इस लई इकट्ठे होए हां क्योंकि ये पहला भी रह चुके सरकारां ने एक साडे नाल शरीरक सिक्ख्या अध्यापकां नाल एक बहुत कोझा मजाक करिया है जिस विच 9/5/2011 दा एक इश्तिहार कढ़िया सी उहदे विच साडे कोलों फीसां भरवा लईआं पर निकम्मी सरकार ने उन्होंने साड़ी भर्ती नहीं की। अज जे गल करिए एजुकेशन मिनिस्टर इस तो पहला ओपी सोनी जी रहे सन उन्होंने भी सानू विश्वास दवाया सी उन्हें भी सानू झूठे लारिया में रखिया। इस तो बाद संगरूर तो जोड़े वजिंदर सिंगला जोड़े कि काफ़ी एजुकेशन सीनियर मिनिस्टर बजते हैं तो उन्होंने सानू एक 14/3/2020 का एक इश्तहार दिता सी भर्ती कराने वास्ते लेकिन वो साड़ी भर्ती नहीं हुई। आप कैबिनेट में मीटिंगा करके दूसरियां भर्तियां कर रहे हैं। 14/3/2020 सानू पैनल मीटिंग दे वास्ते लैटर जारी किया जी उस लिखती लैटर तो भी जिहड़ा सिविल प्रशासन संगरूर वालों जारी सी उस लिखती लैटर तो भी सरकार करोना का बहाना ला के भज गई है जी तो वो हुण करोना चला गया जदों दो यूनियन दी मीटिंगां जिहड़ियां इन्हां ने पैनल करवा दित्तियां गईयां ने पर साडी जिहड़ी मीटिंग हाले तक पैनल नहीं करवाई। साडा इह संघर्ष उदों तक जारी रहेगा जदों तक साडी पैनल मीटिंग जिहड़ी सानू मुड़ वापस नहीं मिलदी अते साडी भर्ती बारे विचार वटांदरा सरकार नहीं करदी साडे नाल टेबल टॉक। जलंधर के डीसी दफ्तर विच लाइसेंस ब्रांच विच लोगों ने उस समय हंगामा कर दिता जदों ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाउण आए लोगों नूं फोटो खिंचवाउण समय उत्थे बैठे अधिकारी ने कोरोना टेस्ट करवाउण लई आख्या जिस उत्ते लोग भड़क गए अते उत्थे हंगामा शुरू हो गया। ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਛੋਟੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਆ ਲੇਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਈਏ ਨਾ ਕਰਾਈਏ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾਈਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ कोरोना संबंधी मिथ नू बस्ट करन वास्ते ते ज़्यादा तो ज़्यादा बंदियां दी सैंपलिंग करन वास्ते इत्थे डीसी ऑफिस ते आस पास बंदे बहुत ज़्यादा इकट्ठे होंदे ने ते आंदे ने इस करके एक टीम मैं अज कोरोना दी इत्थे भी बिठाई है ताकि लोकां दी इत्थे भी आपां कोरोना दी सैंपलिंग कर सकीए। जिन्हें बंदे ये सर्विस अवेल करन आंदे ने दो टीमां अज बिठाईआं ने एक मेरे ऑफिस जिहड़ा ड्राइविंग लाइसेंस दा काम देख रही है ते दूजी टीम आपां बिठाईए सेवा केंद्र विच जिहड़े भी बंदे आंदे हैं उन्हां नूं एक आपां कोशिश यही है कि मैक्सिमम तो मैक्सिमम लोगों की सैंपलिंग की जा सके उन्होंने जिस बंदे नूं कोई लक्षण ने तो उन्हों आपां घर विच रहण दी हदायत कर सकीए कि छोटे मोटे लक्षण है कि उन्हों किसी नूं कोई बीमारी है कोई डायबिटीज़ या कोई शुगर वाला कोई किसी नूं किडनी की बीमारी है तो उन्हों पहला पता लग जाए कि कोरोना है वो अपने आप नूं सतर्क रख के अपने घर विच एकांतवास च रहण या किसी हस्पताल च उन्हों जाण दी लोड़ है तो अपने आप हस्पताल नूं जाण। आज दे बुलेटिन विच बस इन्ना ही दिओ इजाजत धन्यवाद।